सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमॉन फायरस, जहाँ पर पिछली बार दोस्तों हमने वी गॉट आर सेकेंड जिम बैच इन दिस रीजन, और आज जो है हम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। और दोस्तों आगे चलकर हमने माउंट पूंग को भी एक्सप्लोर किया था, और आज जो है हम यहाँ से सोरिन सिटी में आ चुके हैं। और दोस्तों आज वी आर गोइंग टू अर्न आर थर्ड बैच इन दिस रीजन। सो विदाउट एनी फर्दर, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड गाइस। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने इस रीजन की नर्स जॉय से, इस सिटी की नर्स जॉय से मिल लेता हूँ। और दोस्तों आगे चलकर जो है हम यहाँ से अपने जिम चैलेंज के लिए चले जाने वाले। तो सो आई थिंक वी शुड लीव नाउ। तो चलो गाइस यहाँ पर चलते हैं विदाउट एनी फर्दर। तो चलो गाइस यहाँ पर चलते हैं सिरो सिटी पोकेमॉन जिम। लीडर मिस्टी द टॉमबॉयश मरमेड। वाओ द टॉमबॉयश मरमेड। ओके यहाँ पर देख लेता हूँ। मिस्टी यूज़ वाटर टाइप पोकेमॉन। दे आर वीक अगेंस्ट द ग्रास एंड इलेक्ट्रिक टाइप। दे आर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट फायर ग्राउंड एंड रॉक। फायर आइस स्टील एंड वाटर मूव्स एंड ऑल्सो डोंट डू मच डैमेज। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जिम ट्रेनर बैटल इज अपहेड। सो फटाफट से इसे डन कर मैं आपसे फिर से मिलता हूँ गाइज। तो चलो गाइज थोड़ी सी वॉइस ज़्यादा ही आ रही है। ओके गाइज एक बार मैं अपनी एक सेट कर देता हूँ। सो ओके गाइज तो चलो गाइज यहाँ पर मुझे लगता नहीं है ज़्यादा टाइम लगेगा इस बैटल को करने में। तो चलो गाइस यहाँ पर बैटल जो है खत्म कर लेते हैं। और दोस्तों मैंने अपने पोकेमॉन प्लैटिनम की सीरीज़ के लिए फेस स्कैन बंद किया था, बल्कि मैंने कहा था कि दोस्तों मैं अपने पोकेमॉन फायरस की सीरीज़ में अपने फेस स्कैन जो है वो कंटिन्यू करूँगा। और दोस्तों ये वीडियो सैटरडे शूट का अपलोड करना इट्स माई इंटेंशन, बिकॉज संडे दोस्तों आ रही है अपनी नई सीरीज़ संडे वीडियो ऑन डिमांड। टॉपिक दोस्तों मैंने सिलेक्ट कर चुका हूँ, वीडियो सिर्फ अभी मुझे शूट करनी है। और संडे को अपने शार्प 10 AM को अपनी वीडियो जो है वो पब्लिश हो जानी चाहिए। सो यस गाइज वी हैव आई एम ऑल हिल्ड अप एंड सो लेट्स गो। हाय यूर अ न्यू फेस, ओनली दोज ट्रेनर्स हु हैव अ पॉलिसी अबाउट पोकेमॉन कैन टर्न प्रो। माय पॉलिसी इज एन ऑल अबाउट ऑफेंसिव विद वाटर टाइप पोकेमॉन। ओके गाइज यहाँ पर हमें सिर्फ दो पोकेमॉन चूज करने हैं, तो मैं यहाँ पर पिकाचू और बटरफ्ली के साथ जा रहा हूँ। बिकॉज दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने फर्स्ट जिम में अपने पिकाचू और पिजियोटो को चुना था, इस वजह से दोस्तों मैं यहाँ पर पिकाचू और बटरफ्ली को यहाँ पर चूज करने वाला हूँ। ऑल्दो मुझे लगता नहीं है यहाँ पर बटरफ्ली की मुझे ज़रूरत गिरेगी, क्योंकि बिकॉज गाइज आपको तो पता ही है, बिकॉज मेरा पिकाचू जो वन हिट डाउन में ही अपने सामने वाले पोकेमॉन को डाउन कर देगा। चलो गाइज यहाँ पर एक पोकेमॉन तो डाउन हो गया। यहाँ पर थंडर वेव ट्राई करना चाहता है, मैं लर्न करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं नहीं करने देता। चलो गाइस यहाँ पर जो है सेकंड पोकेमॉन यहाँ पर कौन सा होगा, शायद स्टामी होगी, मुझे पता नहीं, आई थिंक सो कि स्टामी होगी। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों। हाँ उस वजह से, और दोस्तों मुझे बहुत सारे टॉपिक्स जो है मतलब कि कमेंट आए, उस वजह से दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक यहाँ पर आपको कल ही पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, किस टॉपिक के ऊपर। उस वजह से दोस्तों संडे वीडियो ऑन डिमांड बहुत ही स्पेशल होने वाला है, अपना हेल्पिंग वीडियो होगी वो दोस्तों काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स के लिए। उसका मैं ऐसे वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ, लेकिन हम जो है यहाँ पर आपसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों आई कैंट बिलीव आई लॉस्ट टू समवन लाइक यू। 2850 हमारी अर्निंग हुई यहाँ पर। यू हैव अर्न द कास्केड बैच। यहाँ पर हमें मिल चुका है द कास्केड बैच। मोर 8 टू गो। हियर टेक्स TM2। TM50 वाज स्केल्ड, हमें मिल चुका है। TM50 कंटेंस स्केल्ड, इट डज नॉट डैमेज। कुछ तो बोली थी, मुझे याद नहीं है। चलो गाइस यहाँ पर हम बाहर निकल जाते हैं। और दोस्तों हम भी जो है यहाँ पर दूसरा बैच तो हमने हासिल कर लिया, पर दोस्तों अभी यहाँ पर अभी मोर 6 बैच और बचे हैं, और दोस्तों काफ़ी रीजन्स के बैचेज बचे हैं। उस वजह से दोस्तों ये गेम जल्दी खत्म होने नहीं वाला है, आपको तो पता ही है। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं हीलिंग कर चुका हूँ। और दोस्तों आज जो है हम यहाँ पर अभी जो फिलहाल मैं टाइम देखूँ तो फिलहाल अभी बज रहे कुछ 5:09। उस वजह से दोस्तों अभी वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम दोस्तों बज रहा है अभी 4 मिनट ही हुए हैं। इस वजह से दोस्तों हम जो है यहाँ पर आगे चलने वाले, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर वीडियो को एंड कर दूँ तो फिर अगला जिम बैच हासिल करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। और दोस्तों मैं कह रहा था कि आपने अगले हफ्ते से जो है यहाँ पर अपना शेड्यूल जो है वो चेंज होने वाला है। यस गाइज वी आर गोइंग टू चेंज आर शेड्यूल फ्रॉम आर नेक्स्ट वीक फ्रॉम अपकमिंग वीक गाइज। बिकॉज जो शेड्यूल होगा जो होगा मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे विल बी दी पोकेमॉन प्लैटिनम, ऑन द ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे विल बी दी पोकेमॉन फायरस। यस गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं रूट 5 पर। तो चलो गाइज यहाँ से मुझे लगता है कि हमें लेफ्ट लेना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट चाहिए चलकर यहाँ पर मुझे पता नहीं कहाँ पर मैं आज पहुँचूँगा। तो जितना हो सके हमें उतना एरिया आज कवर अप करना है। सो चलो गाइज यहाँ पर हम लेफ्ट जा चुके हैं। यस गाइज वी हैव कम इन दी हिडन विलेज। ओके यहाँ पर सेव कर लेता हूँ गेम। तो चलो गाइज
यहाँ पर ऑटो सेव रखा है ना, उस वजह से दोस्तों मुझे मेरा जो गेम है ना वो ऑटो सेव हो रहा है। तो चलो गाइस यहाँ पर मैंने हीलियम, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर मेरा कोई भी मेरे पास कोई भी रेपल है। उस हिसाब से अगर देखा जाए ना दोस्तों, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़े से सावधानी से जाना होगा। ओह यहाँ पर एक साइड में थोड़ा सा घर है कोई सा, तो और लड़की भी खड़ी है। मुझे लगता है शायद वो अपनी स्टोरी लाइन के हिसाब से मुझे एक नया पोकेमॉन मिलने वाला है अपने टीम में। आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा। तो चलो गाइस यहाँ पर चलता हूँ। ओके मुझे थोड़े से संभाल के जाना है बिकॉज यहाँ पर पोकेमॉन भी बहुत सारे आने वाले। तो चलो गाइस यहाँ पर हम तो कवर अप कर ही रहे एरिया यहाँ पर मैं यहाँ पर आज जो है कौन से टॉपिक की बात करने वाला दोस्तों, अपनी संडे वीडियो ऑन डिमांड की दोस्तों, वो जो वीडियो होगी ना मतलब कि हेल्पफुल रहने वाली अपनी वीडियो जो होगी। और दोस्तों आज मुझे लगता नहीं है कि आपको कौन सी भी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे रही होगी। कल दोस्तों बहुत टाइम हो गया था, लेकिन अगर आज मैं जल्दी बैठ रहा हूँ अपनी वीडियो 5 बजे ही बैठ रहा हूँ अपनी एक सैटरडे की वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन उस कल रात कितने 11:30 बज चुके थे। मैंने कल भी कहा था कि उस वजह से और 11:30 बज चुके थे मुझे सिर्फ 5 मिनट की वीडियो शूट करने के लिए। कॉल थी टोटल थी ना 9 मिनट की, लेकिन मेरे 4 मिनट का जो डेटा था ना मेरे पहले से रीड करो मतलब कि ओके यहाँ पर मैं गेम के ऊपर ध्यान देना। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है एवर स्टोर में, आगे चलकर अपनी कल की वाली वीडियो का स्टोरी बताता हूँ। ओके यहाँ पर ओके आई केयर अ लॉट अबाउट दिस फॉरेस्ट एंड द पोकेमॉन लिविंग इनसाइड इट। हे बल्बासोर, बल्बासोर हियर, टेक केयर ऑफ द विलेज अलोंगसाइड मी। हाउएवर आई वांट बल्बासोर टू एक्सपीरियंस द आउटसाइड वर्ल्ड, वुड लाइक टू टेक बल्बासोर यू? क्यों नहीं, यस। चलो गाइस यहाँ पर हमें मिल चुका है हमारा इस गेम का 4th पोकेमॉन जो कि है बल्बासोर। तो चलो गाइस यहाँ पर चलता हूँ अभी लेफ्ट की तरफ। ओके बारिश गिरना चालू हो गई यहाँ पर। एक बग कैचर से हमें ऐसा लगता है कि आज जो है ना मैं सारे बैटल्स कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। चलो गए यहाँ पर जो है हमें पूरा टास्क मिल चुका है, अभी मैंने अपने गेम को भी स्पीड अप कर दिया हूँ। तो चलो गए जब तक मैं बैटल कर ही रहा हूँ ना दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी मतलब की स्टोरी बता देता हूँ कल की वीडियो की। दोस्तों मैंने जो कल की वीडियो थी ना बहुत मुश्किल से मतलब कि मेरा कोई भी मतलब कि आज मतलब कि कल जो था ना मतलब कल क्या था दोस्तों, थर्सडे था, फ्राइडे था, लेकिन फ्राइडे को दोस्तों 99% दोस्तों वीडियो जो है वो पब्लिश नहीं होने वाली थी बिकॉज मेरा जो टाइम जो है ना 5 बजे का है, लेकिन 5 बजे दोस्तों कल पूरा घर भर गया था, इस वजह से मुझे समय मिला नहीं। फिर 11:30 बजे सब सोने गए ना, उसके बाद मैंने बाहर वो भी घर के बाहर जाकर मैंने अपनी वो वीडियो शूट की थी। उस वजह से दोस्तों मुझे प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना अपनी, और देखते हैं दोस्तों कैसे भी कल भी दोस्तों, मुझे पता नहीं कल की वीडियो कैसे आएगी भी या नहीं। ये तो वीडियो आएगी दोस्तों पक्का, बिकॉज अभी कुछ ज़्यादा समय बचा नहीं है। हम जो है यहाँ पर बैटल जो ख़त्म कर ही रहे हैं, और दोस्तों इस वीडियो को भी आना विल बी दी वीडियो विल बी ऑन एयर। बट गाइज संडे की वीडियो भी मुझे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कैसे आएगी भी या नहीं। सैटरडे वो तो सभी सैटरडे ही पता चलेगा, लेकिन दोस्तों जब आएगी ना मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली वीडियो। ऐसे ही दोस्तों संडे वीडियो ऑन डिमांड के जो टॉपिक रहने वाले हैं ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले। तो चलो गाइस यहाँ पर कन्फ्यूजन तो काफ़ी लंबा हो गया नहीं बैटल, ये मैं कब से बग कैचर को डिफीट कर रहा हूँ, 2 मिनट हो गए यहाँ पर हम उसे ही डिफीट कर रहे हैं। तो चलो ये मुझे लगता है कि लास्ट मूव होना चाहिए ये। तो चलो गाइस यहाँ पर बटरफ्ली जो है वो डाउन हो चुकी है लेवल हमारी, बटरफ्री लेवल 13 उसके पास। हाँ मैंने उसने मुझे पॉइजन भी दिया, स्लिप पाउडर भी इस्तेमाल की थी, और उसने मुझे थर्स्टन स्पोर भी इस्तेमाल किया था। और अभी मेरा जो पोकेमॉन है ना बटरफ्री, वो भी सारे के सारे मूव्स सीख रहा है। और दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि मुझे अपनी लास्ट मतलब कि थर्ड जिम बैटल के लिए मुझे कितने पोकेमॉन्स को अपने लेवल अप करना चाहिए। तो चलो गाइस यहाँ पर बल्बासोर अभी भी यार एक कितने पोकेमॉन बचे यार इसके पास, पैरस भी बचा है, बहुत लंबा बैटल खींच रहा है ये लंबा हमारे खिलाफ। चलो कोई बात नहीं, हम आज जितने हो सके उतने ज़्यादा बैटल करेंगे बिकॉज वी हैव टू कवर अप द ऑल बैटल्स एंड वी हैव टू गेन ऑल द एक्सपीरियंस। और दोस्तों मैंने पोकेमॉन प्लैटिनम की आप एक्सेप्ट कर रहे होगे कि पोकेमॉन प्लैटिनम की सीरीज वीडियो आएगी, लेकिन नहीं, मैंने पहले दूसरी बार कह रहा हूँ जिससे हर बार कह रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस आई एम अपलोडिंग द फायर आइस वीडियो सैटरडे। यस गाइज हर दोस्तों अभी अगले हफ्ते से जो है मतलब कि जो हफ्ता आएगा ना अभी से मतलब जो मंडे से आएगा हमारा शेड्यूल भी दोस्तों पूरा मतलब कि बोल सकते हो कि पैक रहने वाला है दोस्तों, बिकॉज अभी मुझे जो है अभी 12th के बोर्ड एग्जाम्स के मतलब कि फॉर्म भी भरना चालू हो चुके हैं। उस वजह से मंडे शायद वीडियो आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, मंडे तो आएगी शायद, लेकिन ट्यूजडे का मुझे पता नहीं बिकॉज मैं कॉलेज में रहूँगा, कब आऊँगा घर पर, कब वीडियो शूट करने में मुझे टाइम मिलेगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। पता नहीं यार गाइस कैसे चलेगा अपना यहाँ वीक जो है वो पूरा, अगला हफ्ता जो है ना पूरा वो एक्शन
एक्शन पैक रहेगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों हेक्टेक वाला भी रहने वाला है। एंड आई हेट हेक्टेक डेट्स बिकॉज कल भी बहुत सारा हेक्टेक था। उस वजह से दोस्तों 11:30 बज गए, यहाँ पर एक बैटल भी कितना भी था यार, पर दोस्तों वो 11:30 बज गए थे अपनी कल वाली वीडियो जो थी वो उसे अपलोड करने के लिए। और मैंने जैसे ही मतलब ये हो गया था ना एडिटिंग, मतलब कि मेरा जो रिकॉर्डिंग होता ना वैसे ही मैंने एडिटिंग कर दी, रेंडरिंग कर दी और फिर से वैसे अपलोडिंग कर दी, शेड्यूल भी कर दी वीडियो, क्योंकि 10 बजे मैं घर पर रहता नहीं और इस वजह से मुझे टाइम मिलता नहीं है। उस वजह से तो आप देखो कि ना मुझे रात में ही शायद ये भी वीडियो जो है अपनी रात में ही जो है ना प्राइवेट हो जाती है, बिकॉज मैं यहाँ पर वो वीडियो जो है वो शेड्यूल कर देता हूँ ठीक 10 बजे। उस वजह से दोस्तों आपको जो है यहाँ पर 10:00 AM को आपको जो है यहाँ पर वीडियो मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बैटल जो है मैं यहाँ पर हीलिंग कर आ चुका था, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर पीजीओटो जो है फिर से रिवाइव अप हो गया था। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं अभी गेम के ऊपर ध्यान देता हूँ, मुझे यहाँ पर सारे के सारे बैटल्स कवर अप करने हैं। और दोस्तों आगे के चैलेंजेस के बारे में मुझे तो पता है, लेकिन दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना क्या क्या दोस्तों इस गेम में अपडेट आ चुके हैं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैं यहाँ पर गेम को अपडेट होने के बाद खेल रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा गेम मैंने खेला था करीब 2-2.5 साल हो चुके थे इस गेम को खेले हुए। वजह से दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत समय के बाद मैं फायर एश 2.0 खेल रहा हूँ, इस वजह से तो मैंने टाइटल भी रखा है अपना फायर एश 2.0। तो चलो गाइस यहाँ पर बैटल जो है ख़त्म हो चुका है, एक ही पोकेमॉन था इसके पास। ओके यहाँ पर एक मुझे लगता है ये लास्ट बैटल होगा शायद मेरे हिसाब से अपने आज का दोस्तों, शायद ये लास्ट बैटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आगे चलकर ही हमें पता चलेगा। तो चलो गाइस यार चलता हूँ मैं अभी आगे की तरफ। और दोस्तों अगर आप अपने वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को नहीं ज्वाइन नहीं कर रखे हो तो जल्दी से जल्दी डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो, लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके ये लास्ट बैटल, ओ प्रैटिकेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है दोस्तों, रेटिकेट से पंगा मत लेना फिर भी कभी भी। ओके ये शाना है दोस्तों, रेटिकेट दोस्तों शाना भी है, उसको पता है कि पैरालाइज है दोस्तों, उसके मूव जो है वो पहले हिट नहीं होंगे, लेकिन उसे दोस्तों क्विक अटैक का इस्तेमाल किया था, लेकिन एंड एट द एंड ऑफ द डे रेटिकेट इज डाउन। सो यहाँ पर बटरफ्री का कंफ्यूजन का इस्तेमाल कर देखता हूँ कैसा होता है हिट। ओ काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है यार बटरफ्री। तो चलो गाइस यहाँ पर एकंस इज अ डाउन एंड बटरफ्री गॉन टू लेवल 240। तो चलो गाइस यहाँ पर मुझे लगता है हमारा ओके आई एम गोइंग टू स्किप दैट बैटल। एंड यस गाइस आज के लिए जो है वो बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों पसंद आए लाइक का बटन है जरूर दबा के जाना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना बिल्कुल ना भूलना, और अपने इस बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है तो जल्दी से जल्दी आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ।